मॉस्को का एक और पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट अरबात स्ट्रीट, ये स्ट्रीट भी काफ़ी टूरिस्टी प्लेस है, काफ़ी लोग आते हैं शाम को तो और अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। चलते हैं देखते हैं क्या है ये। काफ़ी कैफेज रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर अरबात स्ट्रीट में, और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे काफ़ी लोकल आर्टिस्ट भी हैं, पेंटर्स हो गए। अरबात स्ट्रीट स्ट्रीट आर्टिस्ट बहुत हैं, सिंगर्स, कैलिफोर्निया डाइनर एंड बार, ये तो स्ट्रीट काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये सब सोविनेर की शॉप्स, बबुश्का डॉल्स यहाँ मिलती है। बबुश्का क्या होता है? बबुश्का एक्चुअली जो पहले ज़माने में जो उनके यहाँ एकदम ओल्ड ग्रैंड मदर ग्रैनीज होती थी, उन लोगों का जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहने रहती थी, उसकी लोग ने स्टैचू बनाया था। उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी बोलते हैं सोसाइटी में उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है, जिनके घर में वो बबुश्का रहती है, तो उनका वो स्टैचू, वो एक टाइप से उन्होंने डॉल बनाया है उनका, और उसको प्रमोट करते हैं कि वो एज टूरिज्म में। ये कबाब लिखा हुआ है। तो बबुश्का डॉल्स एक काफ़ी फेमस है यहाँ पे सोविनेर के रूप में। ये पूरा वॉल ग्राफिटी से बना के रखा हुआ है इन्होंने, लोग यहाँ पे भी फोटो खिंचाते हैं। ये यहाँ पे पेंटिंग्स लास्ट, ये देखिए, ये है पब्लिक टॉयलेट, वेकेंट है अभी, और 50 रूबल देने पड़ते हैं इसे एंट्री के लिए, 50 रूबल्स।
अभी यहाँ मॉस्को में रात के 8 बजे हैं, 8 बजे हैं और अभी इतनी रोशनी है। ये सीज़न में जनरली काफ़ी देर तक के यहाँ लाइट रहती है और बहुत जल्दी सवेरा हो जाता है। ये मेगाफोन, मैंने यही वाला मेगाफोन का ही सिम कार्ड लिया हुआ है, अनलिमिटेड सिम कार्ड, अनलिमिटेड डेटा है 15 दिन के लिए और 500 रूबल में, और कुछ टाइम फ़ोन का भी है, कॉलिंग का है। कॉलिंग का टाइम मैंने ज़्यादा पूछा नहीं क्योंकि मुझे कॉल तो किसी को करना नहीं है यहाँ पर। ये पेंटिंग्स है जो कि इन लोग बनाते हैं, वैसे सामने जाएंगे तो उनको ये अलाउ नहीं करते हैं फ़ोटो लेने देते। ये एक्चुअली में पेंटिंग्स हैं जो कि लोग सेल कर रहे हैं और फोटो खींचने के लिए मना कर देते हैं, कोई फोटो खींचता है तो सीधा मना कर देते हैं। ये एक और स्ट्रीट सिंगर म्यूजिशियन, रेस्टोरेंट एक छोटा सा वहाँ पे शवरमा मिलता है, 150 रूबल्स का चिकन शवरमा, एक शवरमा काफ़ी है एक मील के समय, एक मील के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इकोनॉमिकल है यहाँ पे खाना। महंगे के रेस्टोरेंट्स भी हैं लेकिन कम रेंज में भी हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा आपको। और यही कॉस्ट इंडिया में भी है शवरमा का, यही रेट में ऑलमोस्ट मिलता है शवरमा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थैंक यू। Yeah, this feels cool.
One.